ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन, एम आई ऑडिबल? यस यू आर क्लियर। ओके, टुडेज टॉपिक फ्रॉम सीएनएस सिस्टम। देन फर्स्ट टॉपिक इन सीएनएस इज मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, एट ए ग्लांस में हम इसको कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि सारे एमसीक्यूज कई बार सीएनएस से पूछते हैं और हम उसको छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस को हम कैसे समझ सकते हैं? फर्स्ट एक ट्राइंगल से हम समझ सकते हैं। पहली चीज, अगर आप मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट चीज ध्यान रखना कि मेरी क्लास में आप अपने नोट्स, जो भी मैं बोलता हूँ वो उसके नोट्स बनाते रहिए, और वही नोट्स आपके लास्ट रिविजन में काम आएंगे। तो जो भी चीज मैं लिखता हूँ उसके नोट्स आपको जरूर जरूर बनाने हैं। ओके, ठीक है। हमने ट्राइंगल बनाया है। ट्राइंगल में क्या चीज है? सबसे पहली चीज, जैसे कि मैं बोलता हूँ ट्राइंगल का मोस्ट टॉप जो रहेगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, मीन्स इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन होने से क्या होगा? इन्फ्लामेशन होने से सेकेंड जो चीज डेवलप होगी वो होगा लॉस ऑफ द माइलिन, एंड लॉस ऑफ द माइलिन को हम क्या बोलते हैं? डीमाइलिनेशन। डीमाइलिनेशन, एंड माइलिन वापस से रिकवर होता है, बट यहाँ पे रिकवर ना होके वहां पे स्कार फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? स्क्लेरोसिस डेवलप हुआ। तो ये एक ट्राइंगल याद रखने से आपको पूरी डिजीज समझ में आ जाएगी ये क्या चीज है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इन्फ्लामेशन, देन लॉस ऑफ द माइलिन, देन डेवलप्स द स्क्लेरोसिस। ओके, तो ये एक्चुअल में कहीं पर भी डेवलप हो सकता है, ये चीज कहीं पर भी डेवलप हो सकता है, इधर इन द ब्रेन, इन द कॉर्टेक्स और इन आवर स्पाइनल कॉर्ड। तो ये कहीं पर भी डेवलप हो सकता है, ठीक है ना। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इसी चीज को हम बोलते हैं हमारे में डिसेमिनेटेड। डिसेमिनेशन, डिसेमिनेशन इन टाइम, डिसेमिनेशन इन द टाइम एंड प्लेस। जैसे कि मैंने बताया था कि जहां पर भी इंफ्लेमेशन होके जहाँ पे लॉस हुआ है डीमाइलिन एंड स्क्लेरोसिस फॉर्मेशन हो सकता है, वो इधर अवर ब्रेन पार्ट में हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड में हो सकता है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? डिसेमिनेशन बाय द टाइम एंड प्लेस। ये चीज अगर आपको समझ में आती है तो आपको पहली चीज पता होगी, कहीं पर भी अगर इन्फ्लामेशन होता है तो बॉडी इम्यून रेस्पॉन्स में क्या निकालेगा? टी सेल्स निकालती है। टी सेल्स एक्टिवेट होके एंड ये किसको ब्रेक कर सकती है? टी सेल्स किसको ब्रेक कर सकती है? डिस्टर्ब्स द ब्लड ब्रेन बैरियर्स, ब्लड ब्रेन बैरियर्स को, ठीक है, फर्स्ट चीज। सेकंड चीज, एक्टिवेट होगा हमारा बी सेल्स, एंड बी सेल्स अल्टीमेटली क्या प्रोड्यूस करेगा? अल्टीमेटली एंटीबॉडीज डेवलप करेगी, अल्टीमेटली एंटीबॉडीज डेवलप करेगी। अगर ये डिजीज कंडीशन आपको समझ में आती है तभी आपको समझ में आएगा कि इसके क्लिनिकल फीचर्स किस तरीके से आते हैं। फर्स्ट, अगर मैं फर्स्ट क्लिनिकल साइन लिख रहा हूं मतलब कि वो मोस्ट कॉमन है, ठीक है ना, क्योंकि हम अगर हमारे एआई पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमारे को जितना बेसिक पता होना चाहिए उसके साथ साथ में हमारे को क्या पता होना चाहिए, उस बेसिक से किस तरीके से एमसीक्यूज डेवलप होते हैं। तो हम उसी तरीके से क्लिनिकल फीचर्स को पढ़ेंगे यहाँ पे, कि फर्स्ट क्लिनिकल साइन हमारा डेवलप होता है आईज के अंदर, एंड आईज के अंदर क्या डेवलप करेगा? ऑप्टिक न्यूराइटिस, ऑप्टिक न्यूराइटिस। तो
क्वेश्चन एमसीक्यू क्या पूछा जाता है कि फर्स्ट, इधर वहां पे लिखा होगा फर्स्ट या लिखा हुआ हो सकता है अर्लीएस्ट एंड मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ द मल्टीपल स्क्लेरोसिस. आंसर इज ऑप्टिक न्यूराइटिस. ठीक है. सेकंड चीज डेवलप होती है स्पास्टिसिटी. थर्ड साइन एंड सिम्टम डेवलप होता है हमारा सेंसरी लॉस. अब ध्यान से सुनना, सेंसरी लॉस पे मैंने क्यों बोला. एक्चुअल में जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में सेंसरी लॉस डेवलप होता है वो एग्रावेट होता है. एग्रावेट का साइन आप ये बना सकते हो या हमारा होम्योपैथिक एग्रावेशन का साइन बना सकते हो. सेंसरी लॉस एग्रावेशन ऑन एक्सपोजर टू हीट. और ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि यहां से हमारा एमसीक्यू आता है और इसको हम जानते हैं नोन एज ए ऑफ्ट ऑफ साइन. इंपॉर्टेंट है ऑफ्ट ऑफ साइन. आया समझ में. तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ऑफ्ट ऑफ साइन सीन इन दी मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड व्हाट इज ऑफ्ट ऑफ साइन. इट्स सेंसरी लॉस एग्रावेशन ऑन द एक्सपोजर टू द हीट. आया समझ में. एक एमसीक्यू और पूछा जाता है, इससे रिलेटेड एमसीक्यू है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा. यहाँ पे एमसीक्यू क्या आता है साथ में लिखिए, क्योंकि वो साथ में लिखा हुआ ही याद आएगा. बाकी इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा हमारे इसमें. आइस पैक टेस्ट यूजफुल इन. आइस पैक टेस्ट इज यूजफुल इन फॉर माइस्थीनिया ग्रेविस. ओके. तो यहां से दो क्वेश्चंस अपने को पूछे जा सकते हैं और ये हमारे को पता होना चाहिए व्हाट इज ऑफ्ट ऑफ साइन एंड व्हाट इज आइस पैक टेस्ट. ओके. देन अगर हम वापस से हमारे व्हाट इज आइस पैक साइन आइस पैक टेस्ट. देखो एक्चुअल में हम हमारे क्या कर रहे हैं, अगर मैं हर एक टेस्ट को अगर जैसे ऑफ्ट ऑफ साइन क्या रहता है इसको अगर एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो हमारा पूरा टॉपिक क्लियर नहीं हो पाएगा. जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि हमारा डायरेक्ट एमसीक्यूज पूछा जाता है तो आपको केवल इतना याद रखना है. ठीक है. बाकी जैसे कि पूरा अगर हर चीज को मैं एक्सप्लेन करने लग गया तो फिर है ना वो जो मेन टॉपिक है वो रह जाएगा. ठीक है ना. आप डायरेक्ट अगर इनके डीप में जाना चाहते हैं तो ये मैंने हैरिसन से लिया है. हैरिसन का पेज नंबर मैं आपसे शेयर कर लूंगा तो आप वहां पे जाके इस आइसबर्ग टेस्ट को पूरा पढ़ सकते हो. ठीक है. और अच्छे से एक्सप्लेन करना है तो हचिंसन अपनी एक बुक है, हचिंसन में आइसबर्ग टेस्ट को विद क्लिनिकल फोटोज समझा रखा है. ठीक है ना. तो डेफिनेटली आप इसको बुक से एक्सप्लेन कर सकते हो. ठीक है ना. ओके सर. हाँ माइंड मत करना इन चीजों को क्योंकि no, sir, it's okay, okay. बिल्कुल. ठीक है ना. yeah, अभी जैसे कि हम वापस से आते हैं हमारे मल्टीपल स्क्लेरोसिस पे, तो अभी अगर हम बात करेंगे टाइप की. ठीक है ना. व्हाट आर द टाइप्स. तो अभी मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और जो चीज समझ के और हमारे को याद करनी है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ. देखो टाइप किस तरीके से समझेंगे. एक पेशेंट आता है मेरे पास में, एक ग्राफ बनाइए, दिस इज द टाइम एंड दिस इज द इंटेंसिटी और द सिम्टम्स ओके. देन मेरे पास में पेशेंट आया, ट्रीटमेंट लिया, इस टाइम पीरियड में उसको दिक्कत थी, फिर वो वापस से घर चला गया, कोई दिक्कत नहीं. वापस से एक महीने बाद में आता है, वापस से सेम प्रॉब्लम एंड वापस से ट्रीटमेंट लिया, सही हो गया, वापस से घर चला गया, वापस से एक महीने बाद में आता है. तो ये जो पैटर्न बन रहा है तो इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं,
इस पैटर्न को हम बोलते हैं रिलैप्सिंग रेमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस। और जैसे कि मैंने बताया था कि जो भी मैं टाइप बताऊंगा अगर वो मेरा फर्स्ट टाइप में एक्सप्लेन कर रहा हूं इट मींस कि ये सबसे मोस्ट कॉमन हुआ बिकॉज ये 85% शो करता है 85% और यही आपके एमसीक्यूज में पूछा जाता है डायरेक्टली। क्या पूछा जाता है? मोस्ट कॉमन पैटर्न या मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द मल्टीपल स्क्लेरोसिस। आंसर इज दिस रिलैप्सिंग रिपीटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस। और इसको शॉर्ट फॉर्म में वहां पे कैसे लिखा हुआ हो सकता है? RRMS RRMS रिलैप्सिंग रिपीटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ओके एक सेकेंड पैटर्न होता है वही सेम टाइम एंड दिस इज सिम्टम्स इंटेंसिटी। देन पेशेंट आता है कि कंटिन्यूअस सिम्टम्स है बट अप एंड डाउन है कंटिन्यूअस सिम्टम्स है बट अप एंड डाउन है और ग्राफ कंटिन्यूअस एक लीनियर पैटर्न में शो होता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोग्रेसिव प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड इट इज सेकेंड मोस्ट कॉमन। ठीक है देन एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में वो आती है इसके स्कोरिंग से। तो हम एज ए डॉक्टर्स क्या करेंगे कि हम पूरा पढ़ने बैठ जाएंगे कि स्कोरिंग स्केल क्या है किस तरीके से है बट एमसीक्यू वहां से नहीं पूछा जाता। एमसीक्यू सीधा पूछा जाता है व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्केल। नेम पूछते हैं डायरेक्ट और नेम क्या है? EDSS फुल फॉर्म ऑफ दिस EDSS इज एक्सटेंडेड डिजीज और डिसेबिलिटी डिसेबिलिटी स्कोरिंग स्केल। और ये डायरेक्ट नेम पैटर्न से पूछा जाता है यहां से एमसीक्यू डेवलप होता है। अब इसमें कौन कौन सी क्वेश्चनरी है किस तरीके से टोटलिंग होती है उस पैटर्न में अपने को जाने की जरूरत नहीं क्योंकि क्वेश्चन कहां से आता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है अब सेकंड चीज स्कोरिंग होने के बाद में हमारा बचता है पार्ट इन्वेस्टिगेशंस। इन्वेस्टिगेशन में फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन जो हम कराएंगे डेफिनेटली हम कराएंगे MRI और MRI में आपको पता है कि यहाँ पे क्या मिलेगा डीमाइलेशन पैक मिलेंगे। डीमाइलिनेटिंग प्लेक मिलेगा ओके और ये मेनली वेंट्रिकुलर के अराउंड में मिलता है और इस अराउंड वेंट्रिकल को क्या बोलते हैं? पेरी वेंट्रिकुलर तो वहां पे लिखा हुआ आएगा MRI पैटर्न क्या मिलेगा? पेरी वेंट्रिकुलर डीमाइलिनेटिंग प्लेक मिलेगा हमारे को ओके। सेकंड इन्वेस्टिगेशंस जो कि इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। सेकंड इन्वेस्टिगेशंस रहेगी हमारी सॉरी CSF CSF फाइंडिंग करेंगे। CSF को हम क्या करते हैं एक जैसे लिटमस पेपर होता है उसी तरीके से एक हमारा पेपर होता है लिक्विड क्रोमेटोग्राफ पेपर। दिस इज लिक्विड क्रोमेटोग्राफ
पेपर एंड इस पेपर पे एक जोन दिखता है और इसी जोन को हम क्या बोलते हैं, इसी जोन को हम बोलते हैं ओलिगोकोनल, ओलिगोकोनल बैंड, ओलिगोकोनल बैंड। एंड जो स्टार जो बनाया था वो इसी चीज के लिए बनाया था, दिस ओलिगोकोनल बैंड अगर प्रेजेंट मिलता है इट्स मींस कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस डायग्नोस्ड केस है। एंड अगर पेशेंट का सीएसएफ फाइंडिंग में ओलिगोकोनल बैंड अब्सेंट मिलता है इट्स मींस वो डेफिनेटली मल्टीपल स्क्लेरोसिस का पेशेंट नहीं है। तो इस सारी गणित का मतलब क्या हुआ, दिस ओलिगोकोनल बैंड इज द प्रिडिक्टर ऑफ द डिजीज। प्रिडिक्टर ऑफ द डिजीज, तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बना, प्रिडिक्टर ऑफ द डिजीज इन एमएस इज ओलिगोकोनल बैंड, ठीक है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बन के आती है और यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है क्या, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बताए कि मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम क्या है, मोस्ट कॉमन इन्वेस्टिगेशन क्या है, मोस्ट कॉमन पैटर्न क्या हुआ एंड डिजीज डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। ओके, देन हमारा सेकेंड टॉपिक सीएनएस का स्टार्ट करता हूं मैं, हमारे इंफ्लामेटरी मायोपैथीज, सॉरी मायोपैथी, वर्ड से आपको समझ में आ रहा है, मायो मींस मसल्स, पैथी मींस डिजीज एंड इंफ्लामेटरी मींस इंफ्लामेशंस। तो इसके अंदर सबसे पहली चीज जो हम पढ़ेंगे वो है डर्मेटो मायोसाइटिस। फर्स्ट टॉपिक क्या हुआ हमारा, डर्मेटोमायोसाइटिस, और डर्मेटोमायोसाइटिस से कई बार सीएनएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो स्टार लगा के इस चीज को पढ़िएगा और ध्यान से सुनना। डर्मेटोमायोसाइटिस के अंदर क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आते हैं, फर्स्ट चीज स्किन चेंजेस, फर्स्ट चीज स्किन चेंजेस। ओके, स्किन चेंजेस में अब आपको टेबल बनानी पड़ेगी, फर्स्ट है हमारा हेलियोट्रोपिक रैशेस, हेलियोट्रोपिक रैशेस, ठीक है। हेलियोट्रोपिक रेसेस डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसमें देखने को मिलता है, डर्मेटोमायोसाइटिस। एंड हेलियोट्रोपिक रेसेस नोन एज ए पेरी ऑर्बिटल, पेरी ऑर्बिटल क्या मिल सकता है हमारे को, इडिमा प्लस इरिथमा। ओके, तो मेरा एक अगर सजेशन है कि आप केवल गूगल पे सर्च मारना हेलियोट्रोपिक रेसेस, तो आपको ये पेरी ऑर्बिटल इडिमा एंड इरिथमा आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा, आपको समझ में आएगा किस तरीके से आईज के अराउंड इरिथमा मिल रहा है एंड इडिमा, इडिमा की वजह से आईज एकदम श्रिंक हो जाती है एंड पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग बहुत ज्यादा मिलती है। ओके, तो इमेज अगर आपने देख रखी होगी तो आपको याद रहेगा कि हेलियोट्रोपिक रेसेस हमारे डर्मेटोमायोसाइटिस में देखने को मिलेगा। ओके, तो हेलियोट्रोपिक रेसेस मींस पेरी ऑर्बिटल इडिमा एंड इरिथमा। ओके, देन सेकंड चीज क्या है, गॉट जस्ट अ सेकंड, जी गॉटरेंस
गॉट ट्रेंस पेप्यूल्स. तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है गॉट्रेंस पेप्यूल्स किस में देखने को मिलता है, डर्मेटोमायोसाइटिस. अब आपको वर्ड से समझ में आ रहा था, जैसे कि पहले मैंने बताया था मसल्स की डिजीज है जिसके अंदर क्या हो रहा है हमारा इंफ्लेमेशंस, तो इसके अंदर फर्स्ट है स्किन के अंदर प्लस हमारा मायोसाइटिस मींस मसल्स में भी इंफ्लेमेशन. तो गॉट्रेंस रेसेस में हमारे को जैसे कि हमारे को क्या मिल रहा है पेप्यूल्स जो है वो पेप्यूल्स कहां पे देखने को मिलेंगे, पेप्यूल्स इन दी इंटरफेलिंजियल जॉइंट एंड मेटाफेलिंजियल जॉइंट्स, मेटाफेलिंजियल जॉइंट्स में पेप्यूल्स देखने को टिपिकल स्किन पेप्यूल्स होते हैं जो हमारे को यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है ना. देन ये नेम पेप्यूल्स हैं इसीलिए डायरेक्ट नेम से पूछा जाता है कि गॉट्रेंस पेप्यूल्स किस में देखने को मिलता है. देन एक पैटर्न होता है जैसे कि उसका पहले नाम लिख देता हूं शॉल साइन, क्योंकि ये सारे जो साइन बता रहा हूं ये सारे इंपॉर्टेंट है AIPGT में भी एंड UPSC में भी, ठीक है ना. सॉल साइन, सॉल साइन क्या होता है, सॉल साइन में क्या होता है कि जो हमारा शॉल हम डालते हैं जैसे लेडीज जो शॉल डालती है इन पार्टी वियर तो वो किस तरीके से डालेगी, थोड़ी सी मोटी है ठीक है तो वो इस तरीके से अपनी शॉल को डालेगी, ठीक है ना. देन तो जो बैक वाला पोर्शन है ठीक है ना, तो बैक में भी इरिदमा मिलेगा, ओके बैक में कहां पे, यहां पे इरिदमा मिलेगा. एंड फ्रंट की अगर बात करें तो फ्रंट में जो इरिदमा मिलेगा वो कहां पे मिलेगा, शॉल पैटर्न में इस तरीके से इरिदमा मिलेगा, ठीक है ना. तो इसको बोलते हैं हम शॉल साइन, ठीक है ना. तो शॉल साइन इरिदमा इन अ शॉल डिस्ट्रीब्यूशन, इरिदमा इन अ शॉल डिस्ट्रीब्यूशन, ओके आया समझ में शॉल साइन. तो डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, शॉल साइन किस में देखने को मिलता है, आंसर क्या जाना चाहिए आपका, डर्मेटोमायोसाइटिस, ओके. एंड लास्ट स्किन चेंजेस क्या देखने को मिलेगा हमारे को, मैकेनिकल हैंड. एंड मैकेनिकल हैंड आपको भी पता है मैकेनिक का हैंड कैसा होता है, मैकेनिक का हैंड कैसा होता है, हाइपरकेरेटोसिस. हाइपरकेरेटोसिस प्लस उसमें क्या होंगे, कट्स होंगे. तो मैकेनिकल हैंड किसमें देखने को मिलेगा, स्किन चेंजेस किसमें देखने को मिलेगा, डर्मेटोमायोसाइटिस में देखने को मिलेगा, ओके. जो हम बात कर रहे थे कि एक हमारे इंफ्लेमेटरी मायोपैथीज के अंदर तो उसके अंदर तीन मायोसाइटिस आते हैं, तो उसके लिए हम एक एट ए ग्लांस देखने के लिए हम एक टेबल बनाते हैं और टेबल इस तरीके से रहेगी. आप तो यहाँ पे हमारा करेक्टर या फीचर्स, देन यहाँ पे आप लिख सकते हैं डर्मेटोमायोसाइटिस, डर्मेटोमायोसाइटिस, देन पॉलीमायोसाइटिस, देन क्या आएगा इंक्लूजन बॉडी, मायोसाइटिस, ओके डर्मेटोमायोसाइटिस, पॉलीमायोसाइटिस, इंक्लूजन बॉडी मायोसाइटिस, ओके ओके. देन अगर फीचर्स वाइज बात करें तो सबसे पहली चीज डिफरेंशिएटिंग पॉइंट आती है एज. डर्मेटोमायोसाइटिस इन एनी एज ग्रुप हो सकता है बट पॉलीमायोसाइटिस मेनली ग्रेटर देन
20 ईयर एज ग्रुप में मिलेगा. एंड इंक्लूजन मायो इंक्लूजन बॉडी मायोसाइटिस हमारे को 50 ईयर एज ग्रुप में देखने को मिलेगा. ओके, देन मसल पैटर्न इन्वॉल्वमेंट. डर्मेटोमायोसाइटिस में प्रॉक्सिमल मसल्स इन्वॉल्वमेंट मिलेगा मेनली. सेम पॉलीमायोसाइटिस में भी प्रॉक्सिमल मसल इन्वॉल्वमेंट, बट इंक्लूजन बॉडी में हमारे को देखने को मिलता है हमारा डिस्टल मसल्स इन्वॉल्वमेंट. ओके, देन स्किन. स्किन इन्वॉल्वमेंट केवल डर्मेटो किसमें मेंशनड है इसमें, तो डेफिनेटली इसी में प्रेजेंट मिलेगा, बाकी सब में एब्सेंट एंड एब्सेंट देखने को मिलेगा. ओके, देन एसोसिएटेड विद द मैलिग्नेंसीज. तो डर्मेटोमायोसाइटिस एसोसिएट करता है हमारा मैलिग्नेंसीज के साथ में, बाकी कोई भी एसोसिएट नहीं करता है. तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है हमारा इंफ्लेमेटरी मायोसाइटिस. देन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सीएनएस का टॉपिक क्या आता है, सीएनएस का टॉपिक बनता है हमारा सीजर्स. कई सारे कंसेप्ट यहाँ पे सीजर्स से रिलेटेड क्लियर होंगे आपके, तो ध्यान से सुनते जाइएगा कि सीजर्स क्या चीज है, किस तरीके से डेवलप होंगे. ओके, फर्स्ट इसकी डेफिनेशन किस तरीके से आती है, डेफिनेशन वाइज पूछा भी जाता है, क्योंकि सीजर्स एंड एपिलेप्सी दोनों ही लिख के इसकी डेफिनेशन लिख के आपको पूछेंगे कि ये डेफिनेशन किसकी है, सीजर की है या एपिलेप्सी की है. तो सीजर की डेफिनेशन क्या है, लिखिए पैरोक्सिस्मल इवेंट हाइपर सिंक्रोनस CNS discharge from the cortex. तो paroxysmal hypersynchronous CNS discharge रहते हैं जिसकी वजह से seizures develop होते हैं. But seizures and epilepsy में difference कहाँ पे आता है वो अब आपको समझ में आएगा. epilepsy को question पूछा जाता है यहाँ से कि greater than and equal to two unprovoked seizures. Unprovoked, greater than and equal to two seizures over कितने time period के अंदर अंदर आने चाहिए, 24 hours के अंदर अंदर आने चाहिए. तो तीनों word important है, इन तीनों word को मिला के ही हम क्या बोलेंगे, epilepsy बोलेंगे कि हाँ इस patient को epileptic नहीं तो एक अगर event होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, seizure. Okay. And greater than and equal to two unprovoked seizures over a 24 hours call as a epilepsy. And epilepsy का classification important है इसी जगह. And इसी classification में आपको मैं clear करूँगा कि पहले कौन सी word use की जाती थी, nowadays कौन सी word terminology use की जाती है. ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि ये मेरा ब्रेन पोर्शन है एंड यहाँ पे एक लोकल एरिया के अंदर डिस्क्रीट लीजन डेवलप हुआ है, इसको हमने क्या बोला, डिस्क्रीट लीजन डेवलप हुआ है. एंड डिस्क्रीट लीजन को पेशेंट को क्या डेवलप होगा, तो वहां पे एक सिंगल पार्ट पोर्शन पे
क्या डेवलप होगा? कंप्लेंट डेवलप होगी इस सिंगल पोर्शन पे, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं? फोकल। और इसी फोकल की जगह प्रीवियसली हम कौन सा वर्ड यूज करते थे? पार्शियल। तो पार्शियल नाउडेज यूज नहीं करते हैं, अब हैरिसन में वर्ड लिखा हुआ आता है फोकल। एंड क्वेश्चंस में भी AIPGT हो या UPSC हो, वो फोकल वर्ड ही यूज करेंगे। इसका मतलब वहां पे क्या है, डिस्क्रीट लीजन है वहां पे आपका। ओके, देन अगर हम बात करें हमारे पूरे लोकली इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, मतलब डिफ्यूज लीजन है। इस पैटर्न को हमने क्या बोला, डिफ्यूज लीजन है। तो अब जो मेरा पेशेंट रहेगा तो उसको क्या होगा, जनरलाइज्ड, उसको क्या सीजर्स डेवलप होंगे। तो इसी पैटर्न को हम क्या बोलेंगे, जनरलाइज्ड पैटर्न सीजर्स बोलेंगे। एंड यहां से क्वेश्चन डेवलप होता है किस तरीके से, अब ध्यान से सुनना, ठीक है, डिफ्यूज लीजन या जनरलाइज सीजर्स ड्यू टू दी, सॉरी सर कैन यू प्लीज रिपीट दिस डिस्क्रीट लीजन। श्योर, ओके, ये मेरा ब्रेन पोर्शन है, तो इस ब्रेन पोर्शन के कुछ लोकल नर्व्स के अंदर डॉक्टर नितेश, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू डॉक्टर नितेश, जस्ट 4 मिनट्स लेफ्ट, द सेशन विल एंड एंड प्लीज रीजॉइन अगेन यूजिंग द सेम लिंक। ओके ओके, रीजॉइन इमीडिएटली आफ्टर दिस सेशन इज ओवर, आफ्टर 40 मिनट्स, मतलब मींस कि 5 मिनट्स आपके पास में बचे हैं। आपको यहां पे टाइम दिख रहा होगा, यहाँ पे टाइम देखिए ऊपर, ठीक है ना, तो ये यहाँ पे ओवर हो जाएगा, तो आप रिजॉइन कर लेना इमीडिएटली, तो हम वापस से क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे किसी स्टूडेंट ने पूछा था, ये वापस से एक्सप्लेन करो, तो मैं बताता हूँ। हमारे ब्रेन का कुछ पोर्शन में क्या हो रहा है, लोकल नर्व्स कुछ एक पोर्शन की वहां पे लीजन हुआ, मतलब डिस्क्रीट लीजन डेवलप हुआ, और डिस्क्रीट लीजन होने से क्या हुआ, डिस्क्रीटली मतलब एक लोकल एरिया के अंदर वहां पे क्या हो रहा है, सीजर्स डेवलप हो रहे हैं, तो उसी को हमने क्या बोला, फोकल सीजर्स बोला, उसको ही हमने क्या बोला, फोकल सीजर्स बोला। जैसे कहते हैं ना, कोई पेशेंट आएगा सीजर के, पूरी बॉडी ट्विस्ट होती है या ना केवल एक पोर्शन इसका ट्विस्ट होता है, तो ये शो करता है कि वहां पे डिस्क्रीट लीजन है या फोकल फोकल है। ओके, तो डिस्क्रीट लीजन को ही हमने क्या बोला, फोकल। एंड प्रीवियसली इस वर्ड को किस नाम से जानते थे, पार्शियल, ठीक है। एंड अगर वो डिफ्यूज लीजन है तो वो किस तरीके से प्रेजेंट करेगा, वो एज ए जनरलाइज्ड सीजर्स की तरह प्रेजेंट करेगा। एंड जनरलाइज्ड सीजर्स के क्या कॉज होते हैं, कॉजेज ऑफ द जनरलाइज्ड सीजर्स, और यहां से हमारा MCQ डेवलप होता है। ये सारी गणित समझाने का कारण यही था। तो तीन कॉज याद रखो, बाकी कुछ भी मत याद रखो, क्योंकि मैं आपको वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमारे को क्वेश्चन इससे बाहर कभी नहीं पूछेंगे। फर्स्ट कॉज इज टॉक्सिन, सेकेंड कॉज इज मेटाबॉलिक, देन थर्ड कॉज इज ड्रग। तो मैं मेरी क्लास में हमेशा बोलता हूँ कि हमारे को ड्रग से ज्यादा लेना देना नहीं है, तो हमारे को ये दोनों ही याद रखने हैं। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, ऐसे तो पूछेंगे नहीं कि व्हाट आर द कॉज ऑफ द डिफ्यूज लीजन और जनरलाइज्ड सीजर्स, डायरेक्ट नहीं, कभी नहीं पूछेंगे। क्वेश्चन कैसे आता है, अ पेशेंट हैविंग अ हाइपोनेट्रीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया एंड हाइपोपोटेशनीमिया, ओके, देन विच टाइप ऑफ दी सीजर्स दिस पेशेंट कैन डेवलप, ऑलवेज आंसर इज जनरलाइज्ड, इज
जनरलाइज्ड सीजर्स डेवलप करेगा. क्यों? यहाँ पे क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक इम्बेलेंस हो रहा है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर डेवलप हुआ है, इसीलिए वहां पे किस तरीके के सीजर्स आएंगे, जनरलाइज्ड सीजर्स डेवलप होंगे. एंड टॉक्सिन्स के अंदर अगर बात करें तो यहाँ पे वो क्या लिखेंगे, अ पेशेंट विथड्रॉ सिम्टम ऑफ द अल्कोहल. अल्कोहल विथड्रॉ सिम्टम्स लेके आ रहा है, ओके. देन वो किस तरीके के सीजर्स डेवलप करेगा, तो आंसर इज जनरलाइज्ड सीजर्स.